Day 83 of 90 days। राम राम दोस्तों, बज रहे मॉर्निंग के 6। अब हम जा रहे हैं रनिंग के लिए, क्योंकि जाना है कारवा। सो उजाला हुए बगैर हम जा नहीं सकते हैं। बिफोर डैट अब चलते हैं रनिंग के लिए, और ग्रूमिंग ट्रीमिंग करना पड़ेगा क्योंकि दाढ़ी मूछी बढ़ चुकी हैं। वी हैव टू बी इनसेट वेट। सो लेट्स गो, देखते हैं अगर आज समय मिले तो ग्रूमिंग ट्रीमिंग कर लेंगे। नहीं तो संडे तो है ही है, संडे आ ही रहा है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। सो लेट्स गो रनिंग करते हैं दोस्तों। मॉर्निंग के 5 किलोमीटर हुए कंप्लीट। जैसे कि देख सकते हो जंगल का एनवायरनमेंट, काफ़ी हरियाली है, और कारवा की तो रोड बन चुकी हैं ऑलमोस्ट। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट चालू है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा दिक्कत दिख रहा है रोड पे, लेकिन शायद इम्प्रूवमेंट कर ले। फाइनल कोट लेयर डाल देंगे तारकोल की तो बन जाए शायद। तो फिर अब चलते हैं और करते हैं मेडिटेशन, देन उसके बाद रिमेनिंग किलोमीटर्स कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों मॉर्निंग 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है रनिंग। अब चलते हैं घर और करते हैं वाटर ब्रेक। लेट्स गो। पहुंच चुका हूँ वैशाली स्क्वायर, अब करते हैं यहाँ पुलअप्स। सो लगाते हैं फोन को फ्रेम में। नाउ इट्स बेटर। पुलअप्स हुए कंप्लीट, अब चलते हैं घर। A few moments later. So workout हुआ complete, अब चलते हैं घर और फिर करते हैं थोड़ा सा workout, क्योंकि शाम में फिर workout का समय नहीं मिलता। So अभी कर लेता हूँ थोड़े से workout, 2-3 workout रहते हैं जो वो कर लेता हूँ। शाम में तो करना रहता है, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं शाम में। फिर उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे और फिर चलते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि कॉलेज में चैप्टर चालू है। कल इंजेक्शन चैप्टर था, नहीं कल इंजेक्शन चैप्टर हो चुका है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल के लिए इंजेक्शन के बारे में बताया जा रहा था। कल काफ़ी मज़े किए क्लास में, इंजेक्शन हाउ टू रिफिल इंजेक्शन ये सब कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया। तो आज देखते हैं आज क्लास में। लेट्स गो। अ फ्यू इंचेस लेटर। सो वर्कआउट कंप्लीट हो चुका था, फिर घर जाके बढ़िया फ्रेश फ्रेश होके पूजा पाठ करके अब निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके क्लास के लिए। सो चलते हैं बस स्टैंड। लेट्स गो। बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, वी हैड रीच नाउ बस स्टैंड। लेट्स सी एज यूजुअल वेदर देयर इज बस और नॉट, बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर बस अप्रॉक्स 10-20 minutes इन बस स्टैंड ओनली टू वेट फॉर बस। लेट्स सी वेदर देयर इज बस और नॉट, देखते हैं जाती है कि नहीं। लेट्स सी। ये जो थी ये नहीं रुकने वाली थी, तो आ गई एक अनदर बस, चलते हैं इससे, क्योंकि हो रहा है समय 10:30 यहीं हो गए, 10:30 ही क्लास, 10:30 बजे ये बस स्टैंड से निकल रहे हैं। बस हो चुकी है स्टार्ट, अब चलते हैं चंद्रपुर। लेट्स गो। एक और बस आ चुकी है, आज लगता भगवान बहुत मेहरबान है हम पे, आते वक्त देखते हैं कितना मेहरबान होता है भगवान। लेट्स सी। 2 hours later। सो बज रहे हैं 12:30, कॉलेज से होगी छुट्टी, अब चलते हैं बस स्टैंड और करते हैं वेट बस का, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो चलते हैं घर, आ चुकी है बस, चलते हैं अंदर। लेट्स गो। चलो आंटी, चलो जल्दी जल्दी चलो। कौन ये लोग? अरे वो डायरेक्ट बस है ना, डायरेक्ट नहीं मिलती ना। लेट्स गो। अरे दीदी गेट लो ना। 12:55, लेट्स गो टू बल्लार शाह। जा रहा था इवनिंग के ढोल पथक की प्रैक्टिस के लिए, जाते ही फैट बाइक निकाला पार्किंग से। सो मैं सोचा कि अब निकलते हैं, जैसे पैडल मारा वैसे हाथ में चैन आ गई, उसकी गिर गई चैन, शायद उसकी पिन निकल गई होगी, तो इसलिए निकल गई वो चैन, डिरेल हो गई है वहाँ से। सो अब चलते हैं शॉप और चेंज करवाते हैं। चैन निकल चुकी है, चैन मैंने ले लिया मेरे हाथ में, अब चलते हैं पीयूष घर और फिर पीयूष घर से चलेंगे शॉप, और शॉप पे बनवाते हैं साइकिल और फिर चलेंगे पथक के लिए। सो लेट्स गो। सो आ गया हूँ फैट बाइक लेकर फैट बाइक शॉप पर, ये है साइकिल शॉप, करवाते हैं रिपेयरिंग अपने साइकिल की। आ गए मैकेनिक अंकल, लगाते हैं चैन, बिन चैन की साइकिल।
शायद शादी है या कुछ तो प्रोग्राम है। जय श्री राम सॉन्ग बज रहा है, बढ़िया है। बैंजो है, बैंजो पार्टी, कुछ तो भव्य था। आइसक्रीम मिल रही है शायद वहाँ, चलते हैं देख कर आते क्या सीन है। देखिए पीयूष आता है तो फिर चलेंगे। पीयूष आ रहा है, फ्लैट बाइक उसकी उसकी साइकिल पार्क कहीं वो लगा, वो भी लेके आता है। सो हो चुकी है साइकिल रिपेयर, अब चलते हैं पीयूष के पास। पीयूष है शॉप पर। सो 30 रुपीज़ का फटका लग चुका है, काफ़ी अच्छा फटका रहा क्या ही कह सकते हैं अब। सो चलते हैं। हो गई है साइकिल, आ गई है मेरी साइकिल की चैन को चैन, अब चलते हैं। वेदर काफ़ी सुहाना है आज का काका, लेट्स गो। ये रही सफारी एक्स VS4। पीयूष आ गया, पीयूष आ गया। 5 minutes later। सो आमचा प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, सगळे ढोल बांधता है। हे आहे अनिकेत दादा, अनिकेत दादा कोई शब्द, दोन शब्द झाले याचे दोन शब्द। हे आमचा लहानसा वादक, हे आपला पीयूष, हे सगळे जे आहे आपला वादन करणारे वादक। लेट्स स्टार्ट, हे रहा मेरा ढोल। तो पथक की प्रैक्टिस हुई खत्म, अब चलते हैं घर, वर्कआउट बाकी है, वर्कआउट करना है। सो लेट्स गो। जैसे कि देख सकते हो बल्ला शाह काफी सज रहा है एथलीट्स इवेंट्स के लिए। जो पीछे गया वो था वियानी जुबली पब्लिक स्कूल, बल्ला शाह की ब्रांच। ये रहा बल्ला शाह का ट्रेंड। तो बज रहे हैं रात के 9:20, लाइब्रेरी से निकल चुका हूँ, अब चलते हैं घर। पीयूष लाइब्रेरी में ही रह गया, उसे पढ़ना ही लेट आया था, तो खाना खा के आया होगा और मैं खा के नहीं आया था। तो चलते हैं, अब करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट जो कि बचा हुआ है मेरा, और फिर डिनर एज यूजुअल, उसके बाद फिर सो जाएंगे। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं न्यू डे विथ न्यू ब्लॉग। Till then, bye bye. Take care of yourself and your family member. Thank you for watching my blog. Stay happy, stay healthy. Milte hain new day with new blog. Till then, bye bye.